ज्यादा बारिश होने के कारण किसानों की गेहूं की फसल हुई बर्बाद। मुरादाबाद जनपद के विकासखंड डिलारी की ग्राम पंचायत लालपुर चौहान के जंगल में तेज बारिश होने के कारण किसानों की फसल हुई बर्बाद। आपको बताते चले कि कई दिन से लगातार बारिश होने के कारण गहरे के खेतों में गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसान खेत से पानी निकालकर फसल को बचाने में लगे हुए हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। वही किसान महेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे गांव में गिरिराज, जसवंत सिंह, पहल सिंह व अन्य किसानों की गेहूं की 30 बीघा फसल बर्बाद होने के कगार पर है। वही किसान ने सरकार से मुआवजे की मदद की गुहार लगाई है। जेड टीवी न्यूज 24 डिलारी मुरादाबाद से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। तो क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह कहाँ के निवासी हो? लालपुर चौहान के। अच्छा, आज अभी जो फाइल से पानी निकाल रहे हो, क्या है मामला? जो खेती मर रही है तो। अच्छा, मतलब पानी आ गया खेत में? हाँ। किस चीज का पानी है? पानी बारिश का भी है। अच्छा, तो कितने गेहूं को नुकसान हुआ आपके? 4 एकड़ को। 4 एकड़ को? अच्छा, तो 4 एकड़ का नुकसान हो गया, तो अब जो है गुजर बसर कैसे कर पाओगे आप? मजदूरी करेंगे और क्या, गुजर बसर मजदूरी करोगे। अच्छा, क्या चाहते हो सरकार से आप? अरे फायदा चाह रहे हैं। फायदा किस तरह का? और जो सरकार दे दे। अच्छा, 4 एकड़ गेहूँ खत्म हो गए। अच्छा, कौन सा जंगल है ये? लालपुर चौहान का ही है। लालपुर चौहान का। अच्छा, आपका नुकसान हुआ है या और भी खेतों में नुकसान है? और भी है। और भी नुकसान है।